हेलो एवरीवन, आप सबका यू वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एमबीए सिर्फ 5 स्टेप्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब कि पीपल को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ की तरफ जाना है। आपको अपनी चीज़ की वैल्यू मतलब अहमियत बनानी है उस चीज़ की, ताकि पीपल को उस चीज़ की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह पे एक फ़ोन्स की शॉप खुली है और दूसरी तरफ सीडीज़ की शॉप है, तो फिर जो पीपल होंगे उनको इस टाइम पे फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत है। वो कोई भी इस टाइम पे सीडीज़ को ज़्यादा नहीं लेगा, इसलिए पीपल को वैल्यू ज़्यादा है फ़ोन की, इसलिए वो सीडीज़ को नहीं लेंगे। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम जितनी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करेंगे, हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। बिजनेस में जो चीज़ दिखेगी वही बिकेगी। ये सेकंड पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का डायरेक्ट मीनिंग है कि एडवर्टाइजिंग। अगर आपने चीज़ बना ली है पर आप एडवर्टाइज ही नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा। अगर आप एडवर्टाइज करोगे तो फिर अगर आपकी प्रोडक्ट बेकार भी है तो वो उस अगर आपने एडवर्टाइज अच्छा किया है तो बहुत सारे लोग उसको लेने आएंगे। पर अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा पर एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो फिर कौन लेने आएगा उसको। सेल्स का मतलब है आपकी चीज़ कैसे बिकेगी और कितने में बिक रही है। सेल्स तभी पॉसिबल है जब लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, वो आप पे बिलीव करेंगे। अगर एक तरफ पिज़्ज़ा हट है और दूसरी तरफ एक कॉमन पिज़्ज़ा की शॉप है, तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल जाएंगे पिज़्ज़ा हट में, क्योंकि उनको पिज़्ज़ा हट पे बिलीव है, ट्रस्ट है, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने अपने ट्रस्ट बनाया है। और यही बिजनेस का भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको लोगों को अपने ऊपर बिलीव करवाना होगा, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा और आपकी सेल्स में प्रॉफिट होगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है वैल्यू डिलीवरी। इसका मतलब है जो चीज़ हमने ली जिस एक्सपेक्टेशन के साथ, पर अगर वो एक्सपेक्टेशन ही पूरी ना हो तो फिर हमारी वैल्यू डिलीवरी नो हो जाएगी। अगर हम उसके इक्वली भी या थोड़े से कम भी वैल्यू डिलीवरी देते हैं, जिससे जो पर्सन है वो थोड़ा सा भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो अगली बार हमारा प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। जो लास्ट पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फाइनेंस। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा जा रहे हैं इस बिज़नेस में, तो फिर जल्दी आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। अगर आपने उन चारों की थोड़े से एक्सपेंसेस कम कर दिए, तब आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस चला सकते हो। मैंने आपको ये शब्द द पर्सनल एमबीए द जॉश कॉफमैन की लिखी हुई बुक से बताया है।